Hello, fourth standard kids. Today I'm going to start my second chapter of grammar with fourth standard. So you all fourth standard students are ready? Open your page number 8. Page number 8 of grammar, fourth standard students. The name of the chapter is subject and predicate. You know subject and predicate. First we understand what is subject and what is predicate. राम इज अ गुड बॉय किसके बारे में मैंने कहा कौन गुड बॉय है राम तो जिसके बारे में हम बोलते हैं वो हमारा सब्जेक्ट हुआ और राम क्या है इज अ गुड बॉय वो प्रेडिकेट इज अ गुड बॉय इज अ प्रेडिकेट प्रेडिकेट स्टार्ट होता है वर्ब से इज आर एम से शुरू होता है इंडिया इज माय कंट्री किसके बारे में बोला मैंने इंडिया के बारे में तो इंडिया यहाँ सब्जेक्ट हुआ इंडिया क्या है मेरी कंट्री है इज माय कंट्री इज अ सब प्रेडिकेट राइट सो अंडरस्टूड सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बोलते हैं वो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम क्या बोलते हैं वो प्रेडिकेट ठीक है टेक वन मोर एग्जांपल द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज नदी ब्रिज के नीचे से बह रही है कौन बह रही है नदी सो रिवर इज अ सब्जेक्ट क्या कर रही है रिवर ब्रिज के नीचे से बह रही है सो इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज इज अ प्रेडिकेट समझ में आ गया दो हिस्सा कोई भी सेंटेंस के दो हिस्से बनाने हैं एक जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो और जिसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं वो ठीक है So now look on your page. Page number 8. A sentence has two parts, subject and predicate. Example, Rahul likes playing football. Kisko football khelna acha lagta hai yahan? Rahul ko. To Rahul is a subject. Rahul ko kya acha lagta hai? Likes playing football. To likes playing football is a predicate. This is a sentence that make complete sense. पूरा meaning पूरे अक्ल में जाने वाला sentence है इसलिए उसको हम sentence कहते हैं Rahul is a subject because the sentence is about Rahul. किसके बारे में हमने अभी कहा Rahul के बारे में तो Rahul is a subject. और Rahul को क्या अच्छा लगता है Likes playing football. तो फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है वो हुआ प्रेडिकेट राइट एक और एग्जांपल लो सीता लाइक्स ईटिंग आइसक्रीम सीता को आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है किसको आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है सीता को तो सीता हो गई सब्जेक्ट सीता को क्या अच्छा लगता है आइसक्रीम खाना तो आइसक्रीम खाना हो गया प्रेडिकेट राइट चलो पिंक बॉक्स में आओ द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स यू वॉट और हुम द सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट आप जिसके बारे में बोलते हो सेंटेंस जिसके बारे में हो वो हो गया हमारा सब्जेक्ट और हम जो जो बोलते हैं क्या बोलते हैं वो हो गया प्रेडिकेट द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ठीक है अभी आप अपनी मम्मी के लिए बना बोलते हो मेरी मम्मी बहुत अच्छे ड्रेस बनाती है मेरी मम्मी अच्छे बहुत अच्छे ड्रेसेस बना सकती है तो आप किसके बारे में बोल रहे हो आपकी मम्मी के बारे में तो मम्मी हो गई सब्जेक्ट और मम्मी क्या कर सकती है अच्छे ड्रेसेस बना सकती है तो अच्छे ड्रेसेस बना सकती है वो हो गया प्रेडिकेट समझ में आया ये इम्पोर्टेंट है ये समझ लेना पड़ेगा ठीक है नाउ कम ऑन गो अहेड ऑफ इट लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस द गर्ल्स आर नॉट टायर्ड लड़कियां थकी नहीं है तो कौन थकी नहीं है लड़कियां द गर्ल्स इज सब्जेक्ट आर नॉट टायर्ड इज प्रेडिकेट लेकिन जो आर है ना वो वर्ब है आर वर्ब है द प्रेडिकेट ऑलवेज इंक्लूड्स द वर्ब
प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से शुरू होता है, प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से शुरू होता है. ओके, सम मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. नाउ वी आर गोइंग टू सी द बॉय सब्जेक्ट. प्रेडिकेट क्या है? वॉज चेजिंग अ कैट. एक बच्चा, एक लड़का बिल्ली के पीछे भाग रहा था. ओके, वॉज चेजिंग अ कैट. सूरज इज स्लीपिंग. कौन सो रहा है? सूरज. तो सूरज हो गया सब्जेक्ट. सूरज क्या कर रहा है? सो रहा है. तो वो हो गया प्रेडिकेट. द टॉय कार वॉज रनिंग ऑन द ट्रैक. कौन ट्रैक पे दौड़ रहा था? द टॉय कार. द टॉय कार. टॉय कार क्या कर रहा था? वॉज रनिंग ऑन द ट्रैक. द टॉय कार सब्जेक्ट. वॉज रनिंग ऑन द ट्रैक प्रेडिकेट. द हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द सी. हेलीकॉप्टर दरिये पे से उड़ा. ओके, कौन दरिये पे से उड़ा? हेलीकॉप्टर. तो हेलीकॉप्टर सब्जेक्ट. और हेलीकॉप्टर ने क्या किया? दरिये पे से उड़ा. फ्लू ओवर द सी, तो वो प्रेडिकेट. चलो, द सब्जेक्ट मे हैव वन और मोर देन वन वर्ड. सब्जेक्ट एक शब्द का बना हो सकता है या दो शब्दों का, तीन शब्दों का बना होता है. राहुल एंड नीता आर ब्रदर एंड सिस्टर. दो लोग हुए ना, राहुल एंड नीता. फाइन, तो यहाँ हमारे पास दो सब्जेक्ट है. कौन भाई बहन है? राहुल और नीता. तो सब्जेक्ट हो गया राहुल एंड नीता. उन दोनों क्या है? भाई बहन है. दे आर ब्रदर एंड सिस्टर. तो दे आर ब्रदर एंड सिस्टर हो गया प्रेडिकेट. चलो किड्स, नाउ टेक अ पेंसिल इन योर हैंड. ऑलवेज माई स्टूडेंट शुड हैव अ पेंसिल इन द हैंड. वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज ए. सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. राइट, फर्स्ट सेंटेंस, द बर्ड इज फ्लाइंग. कौन उड़ रहा है? द बर्ड. द बर्ड को अंडरलाइन करो. नो, सर्कल करना है उसको. सर्कल करो क्योंकि वो है सब्जेक्ट. बर्ड क्या कर रहा है? उड़ रहा है. तो इज फ्लाइंग को आप अंडरलाइन करो. राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय. क्या है राम? इंटेलिजेंट बॉय. लेकिन कौन है इंटेलिजेंट बॉय? राम. तो राम हमारा हीरो हो गया, तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया. राइट, इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. तो वो हो गया हमारा प्रेडिकेट. मैरी वॉक्स इन द पार्क. कौन पार्क में चल रहा है? मैरी. तो सर्कल करो मैरी को. वॉक्स इन द पार्क इज अ प्रेडिकेट. द टीचर सिंग्स वेल. कौन अच्छा गा सकता है? टीचर. तो द टीचर हमारा सब्जेक्ट. सिंग्स वेल प्रेडिकेट. द चिल्ड्रन आर रीडिंग बुक्स. कौन बुक्स पढ़ रहा है? द चिल्ड्रन. तो द चिल्ड्रन सब्जेक्ट. चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? आर रीडिंग बुक्स इज द प्रेडिकेट. रितु विल कम टुडे. कौन आ रहा है आज? रितु. तो रितु सब्जेक्ट. विल कम टुडे प्रेडिकेट. द टीचर इज इन द लाइब्रेरी. कौन लाइब्रेरी में है? टीचर. तो टीचर क्या हुआ? सब्जेक्ट. क्योंकि हम किसके बारे में बोल रहे थे? टीचर के बारे में बोल रहे थे. तो टीचर हो गया सब्जेक्ट. इज इन द लाइब्रेरी प्रेडिकेट. यू शुड नॉट सिंग इन द क्लास. यू किसको बोल रही है टीचर? यू. तो यू सब्जेक्ट. शुड नॉट सिंग इन द क्लास प्रेडिकेट. अतुल रोट अ स्टोरी. किसने स्टोरी लिखी? अतुल ने. तो अतुल सब्जेक्ट. रोट अ स्टोरी प्रेडिकेट. द स्टडी टेबल इज वेरी नीट. क्या बहुत नीट एंड टाइडी है? क्या इतना साफ सुथरा है स्टडी टेबल? तो ये पूरा स्टडी टेबल
सब्जेक्ट हो गया स्टडी टेबल, इज वेरी नीट प्रेडिकेट. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू इम्पिरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस. उसमें सब्जेक्ट ढूंढना हम सीखेंगे आज. सब्जेक्ट इन कमांड्स. टीचर कभी कभी आपको कमांड देती है, ऑर्डर देती है, मम्मी ऑर्डर देती है. तो मम्मी है ना, आपको यू नहीं कहते. मम्मी कहते जाओ चुपचाप बैठो वहाँ, तो चुपचाप बैठो यानी कि आप चुपचाप बैठो. मम्मी आप नहीं बोलती है, मम्मी बोलते चुपचाप बैठो. तो ऐसे सेंटेंस में जहाँ ऑर्डर दिया जाता है वहाँ यू का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन यू समझने की बात है कि मम्मी आपको ही कह रही है, टीचर आपको ही ऑर्डर कर रही है, बॉस एम्प्लॉय को ही ऑर्डर दे रहा है. तो यू चाहे लिखा नहीं गया हो वो समझने की बात होती है. रीड दिस सेंटेंसेस. कम हियर मीन्स यू कम हियर. सेकेंड सेंटेंस, डोंट टॉक, यू डोंट टॉक. इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज नॉट मैंशन, यू नहीं लिखा गया है, लेकिन वो हमारी अक्ल की बात है कि हमें ही कह रहे हैं. द सब्जेक्ट इज एक्चुअली यू एंड द सेंटेंस एक्चुअली रीड लाइक द फॉलोइंग. यू कम हियर, तो यू सब्जेक्ट, कम हियर प्रेडिकेट. ओके, यू डोंट टॉक, तो यू सब्जेक्ट, डोंट टॉक इज अ प्रेडिकेट. राइट, तो जहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया गया है लेकिन समझने की बात है वहाँ यू सब्जेक्ट हो जाता है. चलो रिमेंबर पे आओ. इन ऑल कमांड्स द सब्जेक्ट इज यू विच इज नॉट मैंशनड इन द सेंटेंस बट इट इज अंडरस्टूड. जब हम गुस्से में होते और ऑर्डर देते तब यू और आप और तुम नहीं बोलते, कहते गेट आउट फ्रॉम हियर. दैट मीन यू गेट आउट फ्रॉम हियर. जस्ट शट अप मीन यू शट अप. बराबर, तो यू बोलते नहीं हैं हम, लेकिन यू समझने वाली बात है. राइट किड. अच्छा चलो, अभी ये तो कमांड वाले सेंटेंस हो गए. अभी हम आएंगे ऐसे सेंटेंसेस पे जो सवाल बनाते हो. सवाल, तो सवाल बनाने वाले सेंटेंस यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस पे सब्जेक्ट कहाँ रहता है वो हमें देखना है. द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द प्रेडिकेट. ज़्यादातर सब्जेक्ट पहले आता है और फिर हम जो उसके बारे में बोलते हैं वो आता है. लेकिन लेकिन सवाल बनाने हुए वाले शब्द सेंटेंसेस में प्रेडिकेट पहले आता है और सब्जेक्ट पीछे रहता है. क्योंकि हम सवाल बनाते हैं तो पहले सवाल वाला सेंटेंस आ गया, फिर हम प्रेडिकेट बोलते हैं. तो यहाँ पहले प्रेडिकेट बोल लेंगे और फिर सब्जेक्ट को रखेंगे. देखो बताते, वेयर इज़ योर मदर, किसके बारे में मैं पूछ रही हूँ, तुम्हारी मम्मी के बारे में. तो तुम्हारी मम्मी हो गई, मम्मी हो गई सब्जेक्ट. एंड वेयर इज हुआ प्रेडिकेट. राइट, वेयर इज मदर, तो मदर सब्जेक्ट और वेयर इज प्रेडिकेट. हु आर यू, आप कौन हो, किसको पूछा मैंने आपको, तो यू सब्जेक्ट, हु आर इज प्रेडिकेट. चलो टर्न योर पेज बेटा. सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर बी, सिट ऑन दैट चेयर, किसको कहा मैंने, सिट ऑन दैट चेयर. यू सीट ऑन दैट चेयर, तो यू लिखो पहले ऐसा, मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगी. यू लिखो, वो हो गया सब्जेक्ट. सिट ऑन दैट चेयर इज प्रेडिकेट. हाउ आर यू, हाउ आर प्रेडिकेट, क्योंकि सवाल है, क्वेश्चन मार्क. यू इज अ सब्जेक्ट. द पिक्चर इज वेरी ब्यूटिफुल, क्या बहुत ब्यूटिफुल है, द पिक्चर. द पिक्चर इज सब्जेक्ट, इज वेरी ब्यूटिफुल इज प्रेडिकेट. स्विच ऑन द टेलीविजन, कि आपको कह रहे हो, ऑर्डर दे रही हो, स्विच ऑन द टेलीविजन. यू स्विच ऑन द टेलीविजन, तो यू सब्जेक्ट.
switch on the television is predicate. That's it. The cartoon show is very funny. क्या फनी है, क्या बहुत हंसने वाला है. The cartoon show subject is very funny is predicate. बाकी के 6, 7, 8, 9, 10 I want you all to do. Done. मैं देखती हूँ कितने कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं. ये होमवर्क है आपके लिए. फिर मैं उसके पिक्चर भी दिखाऊंगी, लेकिन पहले आप अपने आप ट्राई करो. नहीं आए तो ही मेरे आंसर्स में दिख कर दिखना. चलो, फिल इन द ब्लैंक विद द सब्जेक्ट एंड और प्रेडिकेट. यहाँ कहीं सब्जेक्ट दिया है तो प्रेडिकेट नहीं दिया है, प्रेडिकेट दिया है तो सब्जेक्ट नहीं दिया है. तो चलो हम उसको फिल करते हैं. द गर्ल, कुछ भी लिखो. द गर्ल इज क्राइंग, द गर्ल इज ईटिंग आइसक्रीम, द गर्ल इज प्लेइंग, आपको जो लिखना है. द गर्ल इज सब्जेक्ट और इज डूइंग व्हाट इज अ प्रेडिकेट. द सन इज सेटिंग इन वेस्ट. ओके, आप लिख सकते हो द सन इज राइजिंग इन ईस्ट, आपकी मर्जी. डैश इज माई फेवरेट बुक, कोई भी बुक लिख लो. स्टोरी बुक लिखो, फिर भगवद गीता लिखो, कुरान लिखो. कुरान इज माई फेवरेट बुक, आपको जो नाम अच्छा लगे आप लिख सकते हो. तो हम लिखते हैं द स्टोरी बुक. डैश लिव इन दिल्ली, आप किसी का भी नाम लिखो. राहुल लिव्स, विनीता लिव्स, नेहा लिव्स इन दिल्ली. माय पेरेंट्स आप लिख सकते हो, बिकॉज एस नहीं दिया है तो आपको प्लूरल फॉर्म लिखना पड़ेगा. तो आप लिखो माय पेरेंट्स. माय पेरेंट, मेरे माँ बाप दिल्ली में रहते हैं. डैश इज द कैपिटल सिटी ऑफ गोवा, अभी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए. हाँ, पनाजी. गोवा की कैपिटल सिटी को क्या बोलते हैं? पनाजी. पनाजी इज द कैपिटल सिटी ऑफ गोवा. द स्टार्स, द स्टार्स क्या कर रहे हैं? आर ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग इन द स्काई. In the sky. Dash is making a table. Furniture कौन बनाता है? Carpenter. That's it. The carpenter is making a table. So carpenter हो गया subject. Is making table हो गया predicate. Lata is a great singer. आप जानते हो ना लता मंगेशकर? She's a great singer. Is a great singer is a predicate. Lata is a subject. डैश इज माई बेस्ट फ्रेंड, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख दो. नेहा, नेहा इज माई बेस्ट फ्रेंड. तो नेहा हो गई सब्जेक्ट, इज माई बेस्ट फ्रेंड इज प्रेडिकेट. मोहन, मोहन इज अ गुड बॉय. ओके, मोहन इज अ गुड बॉय. तो मोहन हो गया सब्जेक्ट और इज अ गुड बॉय हो गया प्रेडिकेट. समझ में आ गया बेटा? सेंटेंस दो हिस्सों में बांटा जाता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. मैं अपनी नोटबुक में आपको थोड़ा होमवर्क भी देने वाली हूँ. सब अपना होमवर्क कर मुझे फॉरवर्ड करेंगे. चलो लेट्स रिवाइज का तो देखो. अ सेंटेंस हैज टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सेंटेंस हैज टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इन कमांड द सब्जेक्ट यू विच इज नॉट मैंशन बट अप्लाइड. कमांड सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया जाता, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है कि सब्जेक्ट यू है. इन क्वेश्चंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस प्रेडिकेट यूजुअली कम बिफोर द सब्जेक्ट. जहाँ क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है या एक्सक्लेमेशन मार्क वाला सेंटेंस होता है, वहाँ प्रेडिकेट पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है. समझ में आ गया? मैं पिक्चर्स भेजती हूँ. ये होमवर्क नोटबुक में भी करो और टेक्स्ट बुक में भी करो. और तैयार रहना, मैं पूछने वाली हूँ नेक्स्ट टाइम. सी यू किड्स.